मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में 1000 और 500 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाए जाने के बाद पूरे देश में एक तरफ उनकी जमकर सराहना की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवी मुंबई के इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग 1000 और 500 रुपए के अगर नोट लेकर आ रहे हैं तो यहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो भी उस नोट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वजह ये है कि उनके दिलों दिमाग में कहीं ना कहीं इस बात का खौफ है कि हो सकता है ये हमारे नोट नहीं चलेंगे। हालांकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो जीवन आवश्यक वस्तु है वो उनसे वंचित हो जा रहा है। वजह यह है कि उनके जेब में अगर गलती से 1000 या 500 का नोट पड़ा हुआ है तो वो उसे कहीं भी नहीं चला पा रहा है, और जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे पीएम मोदी ये अच्छी तरह से जानते थे कि उनके फैसले के बाद इस तरह की समस्याएं लोगों के सामने पैदा होंगी, इसलिए उन्होंने अपने संबोधन में जनता से अपील की थी कि आने वाले 2 दिनों के लिए सभी आर्थिक व्यवहार बंद रहेंगे। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज तो नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने इस तरह की घोषणा कर दी कि पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर में 1000 और 500 रुपए के नोट लिए जाने चाहिए, लेकिन देखा ये जा रहा है कि मेडिकल स्टोर में जो पेशेंट है, जो बीमार है और जिनके पास 1000 और 500 रुपए के नोट है, उनको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हमारे सब लोग मौजूद है जो बताएंगे कि उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप बताइए किस तरह की दिक्कत है आपके साथ? सर, ये मेडिकल वाले बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ नहीं चलेगा, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो मेडिकल है वहाँ पे चलेगा। इन्होंने हमसे पैसा नहीं लिया, हम 20 मिनट से खड़े हैं यहाँ पर जी, और हम मालेगांव से आए यहाँ पर, हमारे पास पैसा नहीं है। डेबिट कार्ड दिए तो डेबिट कार्ड भी नहीं चल रहा हमारा जी। परेशानी हो रही है ना सर, यहाँ पे दवाई लेने के लिए हमने दवाई बोलते हैं दवाई नहीं। यहाँ पर मेडिकल स्टोर में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और वो छुट्टी का बहाना बनाकर लोगों को दवाइयाँ नहीं दे रहे, और जिसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या गुनाह है, हमारे पेशेंट बगैर दवा के क्यों मर रहे हैं, क्यों हमसे पैसे स्वीकारे नहीं जा रहे हैं। हालांकि मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं सिर्फ छुट्टी का बहाना बनाकर लोगों को दवाई देने से इनकार कर रहे हैं, और वो 500 और 1000 के नोट नहीं ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद ये घोषणा बहुत अच्छी थी कि भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लेकिन यहाँ पर काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि बाजार के मेडिकल स्टोर्स हों या फिर पेट्रोल पंप, सभी के सभी ग्राहकों से 1500 के नोट ले तो रहे हैं, लेकिन उसमें बची हुई शेष राशि वो ग्राहकों को वापस नहीं लौटा रहे। जिस तरह से ये ऐलान कर दिया गया है कि 500 और 1000 के नोट लगभग ना के बराबर चलेंगे, हालांकि जहां पर जरूरत है यानी कि पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर में पैसे स्वीकारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अफरा तफरी का माहौल है। लोगों में थोड़ी सी बेचैनी है कि पता नहीं उनके 1000 या 500 के नोट चलेंगे या नहीं। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं जिनकी भी गाड़ियां आ रही है वो ये सोचकर आ रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो उनके पैसे बचे हुए हैं वो अपने गाड़ियों के टैंक फुल कर ले। हालांकि गनीमत तो ये है कि जो भी पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं वो 500 और 1000 के नोट स्वीकार रहे हैं। अगर वो नहीं स्वीकारते तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही बैंक भी 2 दिनों के लिए बंद रहेगा। ऐसे में समस्या इस कदर बढ़ गई है कि लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि वे करें तो आखिर क्या करें। बताएं कि आपके होटल में फिलहाल इस वक्त 1000 या 500 रुपए के नोट स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं? स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, जो फैमिली कस्टमर जो बाहर से आए हैं वो हाँ जिसको पता नहीं है जी उसका ले रहे हैं, जिसको पता है उसका स्वीकार नहीं कर रहे। तो यही तो वजह नहीं है कि कहीं मतलब होटल में जो ग्राहक अभी फिलहाल छुट्टे नहीं होने की वजह से नहीं आ रहे, छुट्टे होने से नहीं आ रहे हैं। यहाँ की कदर तो मैं आपको एक नजारा इस होटल का दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि उनके पास उनके अगर जेब में
500 या 1000 का नोट है तो वो मन महसूस कर रह जाते हैं ये सोचकर कि इन रुपयों को मैं छुट्टा करूं तो क्या करूं, क्योंकि उनकी दिक्कत ये है कि ना ही होटल में, ना ही दुकान में और ना ही पेट्रोल पंप पर, अगर पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि आप जितने का पेट्रोल भरना है भर लें, बाकी के पैसे डिपॉजिट रख दें, जब क्लियर होगा तब मिलेगा। ऐसे में अगर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वो है आम आदमी। आम आदमी आज के तारीख में यूं कहना गलत नहीं होगा कि मन महसूस कर और झुलस कर रह जा रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरा गुनाह क्या था, मेरे जेब में जो पैसे थे वो कब चेंज हो गए। यानी 1000 और 500 रुपए के नोट पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबंध लगाया है उसमें शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो वो है आम आदमी। गोपाल शाह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, वाशी।